तो चलिए, इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलेटल टिश्यू। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे कल के क्लास में। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का टाइप देख रहे थे कि तीन टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, और वो तीन टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हम लोग बात किए थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स जेली लाइक है तो उसको बोले थे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और अगर मैट्रिक्स सॉलिड रहे तो उसको बोलेंगे कनेक्टिव अस्केलेटल टिश्यू, ठीक है। और तीसरा वाला जो था उसका मैट्रिक्स लिक्विड फेज में रहता है, जिसको हम लोग बोले थे फ्लूइडिक कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो आज दूसरा वाला, सेकेंड टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है, आज उसका चर्चा करेंगे। खाली उतना ही, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कल के टॉपिक में रहेगा, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग अस्केलेटल टिश्यू। पहले इसके बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टी की बात कर ले। अस्केलेटल टिश्यू दो प्रकार का होता है, बोन और कार्टिलेज, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस बाद में, पहले दोनों का सिमिलरिटी का बात करते हैं। क्योंकि दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है, अस्केलेटल टिश्यू के अंदर रखा गया है, तो कौन सा प्रॉपर्टी है जो दोनों में कॉमन है, है ना। तो वो पहला कॉमन प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स, क्लियर। अस्केलेटल टिश्यू का मैट्रिक्स कैसा होगा बच्चा लोग? सॉलिड, ठीक है। अस्केलेटल टिश्यू कंटेन्स सॉलिड मैट्रिक्स। टिश्यू है तो इस टिश्यू में सेल भी होना चाहिए ना, एग्रीड। बिना सेल का टिश्यू बनेगा कभी भी? नो चांस। तो इस सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर सेल कैसे सर्वाइव करेगा, अगला सवाल ये उठता है। सेल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और डेड सेल नहीं रहेगा धर्मराज, क्योंकि बोन हमारा बढ़ता है कि नहीं? बढ़ता है ना। कोई छोटा सा बच्चा है अभी 18 इंच का पैदा हुआ है, जो फिर 6 फीट का बन जाता है, 5.5 फीट का बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बोन इलोंगेट हो रहा है, बोन बढ़ रहा है। बोन अगर बढ़ रहा है तो इतना तो समझ ही सकते हैं कि बोन का सेल डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और अगर डिवाइड कर रहा है तब वो डेड बिल्कुल नहीं होगा। कैसा होगा उसका सेल? लिविंग होगा, बिल्कुल सही राजीव ने, है ना, लिविंग सेल होगा। अब सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर लिविंग सेल कैसे रहेगा, अब बात उठता है ये, ठीक है, कि मैट्रिक्स है सॉलिड और उसके अंदर लिविंग सेल किस प्रकार से सरवाइव करेगा, क्लियर सर। किसका ऑन हो गया जी? सर एक क्वेश्चन है, अभी बंद कीजिए, बाद में, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर। तो सवाल ये है कि सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर हमारा सेल सरवाइव कैसे करेगा, ठीक है। तो सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, उस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को, सही बोल बात हर्षराज, लैकुनी बोलते हैं, ठीक है, उसको लैकुनी बोला जाता है, और उसी लैकुनी के अंदर उसके सेल सरवाइव करेंगे, ठीक है। तो दोनों में, बोन में भी और कार्टिलेज में भी, दोनों में फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट होगा, जिसका नाम क्या रखा गया? लैकुनी। और उसी लैकुनी के अंदर उसके सेल रहेंगे, बोन के अंदर बोन वाला सेल और कार्टिलेज के अंदर कार्टिलेज वाला सेल, क्लियर। फाइबर्स, हम लोग बात किए थे कि अगर कनेक्टिव टिश्यूज में फाइबर भी पाए जाएंगे, है ना, तो फाइबर्स भी दोनों में पाया जाता है, एक में व्हाइट फाइबर, एक में येलो फाइबर। जो ज्यादा हार्ड मजबूत रहेगा उसमें व्हाइट फाइबर, और जो थोड़ा सा इलास्टिक नेचर का रहेगा उसमें येलो फाइबर। तो फाइबर भी दोनों में, सेल भी दोनों में, लैकनी भी दोनों में, और मैट्रिक्स भी दोनों में, चारों सिमिलरिटी आया सामने, ठीक है। यानी कि ये चारों को हम लोग बोल सकते हैं अस्केलेटल टिश्यू का जनरल प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी। क्या क्या? फिर से, तो अस्केलेटल टिश्यू का मैट्रिक्स होगा सॉलिड। सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, तो सर्वाइव करने के लिए एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस बना करके रखता है, उस स्पेस का नाम लैकनी। लैकनी दोनों में पाया जाएगा, क्लियर। उसी लैकनी के अंदर इसके सेल सरवाइव करेंगे, और दोनों में कुछ स्पेसिफिक फाइबर्स भी पाए जाएंगे, डन। कुछ प्रोटीन भी होता है स्पेसिफिक टाइप का, बोन में अलग प्रोटीन होता है और कार्टिलेज में अलग प्रकार का प्रोटीन होता है, डन। यहां तक चलिए, अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक तरफ बोन और एक तरफ कार्टिलेज, ठीक है। बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है।
अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस क्या है, और ऑनलाइन अगर एग्जाम हुआ तो इसी डिफरेंस में से कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल के पूछा जा सकता है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए एक छोटा सा ऐसे ही रफ डायग्राम बनाते हैं। ये बोन का एक एरिया काट करके स्लाइड पे देख रहे हैं, और यहाँ पे कार्टिलेज का एक एरिया काट करके स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहीं से हम लोग आइडिया लगाएंगे थोड़ा बहुत। दोनों का मैट्रिक्स जो है सॉलिड है, हम लोग सॉलिड को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिए एकदम ऐसे है तो सॉलिड है। ठीक है, इसमें भी लैकनी प्रेजेंट होगा, इसमें भी लैकनी प्रेजेंट होगा दोनों में, लेकिन फर्क यह है कि इसका लैकनी रहता है स्कैटर्ड, जन्ने तन्ने छितराल, कोई अरेंजमेंट उसका नहीं रहेगा कार्टिलेज में। बोन में इसी लैकनी का अरेंजमेंट देखने को मिलता है अराउंड द हैवर्सियन केनाल। ठीक है, यानी कि इसमें एक नया नाम जुड़ने जा रहा हैवर्सियन केनाल का। इसके बीचों बीच में पहले एक हम लोग हैवर्सियन केनाल बना लेंगे। क्लियर? अब इसी हैवर्सियन केनाल के चारों तरफ लैकुनीज इस प्रकार से अरेंज्ड रहेंगे। ठीक है, अभी हैवर्सियन केनाल कैसे पता चलेगा भाई? तो लैकनी में क्या करते हैं, हल्का हल्का ऐसे ब्रांचिंग निकाल देना है। ठीक है, इसके लैकनी में ब्रांचिंग नहीं दिखेगा, इसके लैकनी में क्या दिखेगा? ब्रांचिंग दिखेगा। ठीक है, डन। लैकनी दोनों में, लेकिन दोनों के लैकनी का फर्क, इसके लैकनी में ब्रांचिंग नहीं, इसके लैकनी में ब्रांचिंग। दूसरा चीज, इसका लैकनी स्कैटर्ड, इसका लैकनी अरेंज्ड हैवर्सियन केनाल के चारों तरफ, इसका नाम हैवर्सियन कैनाल। ठीक हैवर्सियन साइंटिस्ट का नाम था। चलिए एक आधा लेयर और बना देते हैं, सही ज्यादा से बनाएंगे तो ज्यादा वक्त हमारा खर्च होगा, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ब्रांचिंग ब्रांचिंग दिखा देना है। तो ब्रांचिंग वाला लैकनी देखने को किसमें मिल रहा है भाई? बोन में। अब बिना ब्रांचिंग वाला लैकनी इसमें। ठीक है, अब ब्रांचिंग वाला लैकनी है तो कहा इसका नंबर थोड़ा सा बदल दिया जाए। ठीक है, नाम बदल देने से एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा बच्चों को परेशान करने के लिए। है दोनों लैकुनी ही, लेकिन ब्रांचिंग होने की वजह से इसका नाम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बदल दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, केनाली कुली। ठीक है, तो केनाली कुली और लैकुनी में दो गो फर्क क्या भाई? तो केनाली कुली में ब्रांचिंग होता है, लैकुनी में ब्रांचिंग नहीं होता है। ठीक है, लैकुनी स्कैटर्ड होता है और ये जो होता है ना अरेंज्ड होता है अराउंड द हैवर्सियन केनाल। ठीक है, केनाली कुली भी एक प्रकार का लैकुनी ही है, ऐसा लैकुनी जिसमें ब्रांचिंग है और ये अरेंज्ड होता है सिस्टमेटिक वे में हैवर्सियन केनाल के चारों ओर। क्लियर है ये मामला यहां तक, स्टेप बाय स्टेप? ओके करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं फिर एक बार और बढ़ समझते हैं। ठीक है, चलिए दैट्स गुड। तभी तक हम लोग देखे कि मैट्रिक्स दोनों का सॉलिड था, दोनों में फ्लूइड फिल्ड स्पेस था, लैकुनी और केनाली कुली। इसमें हैवर्सियन केनाल नहीं था, इसमें हैवर्सियन केनाल है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर इसके मैट्रिक्स का बात किया जाए, इसका मैट्रिक्स कुछ ज्यादा ही हार्ड होता है और रिजिड होता है। इसका मैट्रिक्स सॉलिड होने के बावजूद, इसका मैट्रिक्स सॉलिड होने के बावजूद सॉफ्ट होता है, ये हार्ड नहीं होता है और थोड़ा सा इलास्टिक होता है। क्लियर? मैट्रिक्स सॉलिड दोनों का था, लेकिन सॉलिड में ही ये सॉफ्ट है और इलास्टिक है, ये सॉलिड में ही हार्ड है और रिजिड है। तो इसको सॉफ्ट और इलास्टिक बनाने के लिए कुछ अलग प्रकार का चीज उसके अंदर होगा, इसको हार्ड और रिजिड बनाने के लिए कुछ अलग प्रकार का चीज इसके अंदर होगा। तो अलग प्रकार का चीज है प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन? वेरी गुड राजीव नयन, इसके अंदर कॉन्ड्रीन प्रोटीन, कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन। ठीक है, बोन में, बोन में ओसिन प्रोटीन, वेरी करेक्ट, इसके अंदर ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग प्रकार का प्रोटीन, कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन प्रोटीन और बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कहां? तो इसके मैट्रिक्स में। क्लियर? इस प्रोटीन के अलावा बोन
सुने होंगे कि हाँ कैल्शियम चाहिए हमारे बोन के लिए भाई, तो उसका तो नमे अभी तक नहीं लिए हम। कैल्शियम चाहिए ना, कैल्शियम हमारे बोन को, टीथ को मजबूत बनाने का काम करता है। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये पाया जाता है किसमें, बोन में, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के फॉस्फेट, ठीक है, PFO एंड कार्बोनेट CO3, क्लियर। फॉस्फेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन बोन व्हाइल इट इज एब्सेंट इन कार्टिलेज। समझ में आया बात, कैल्शियम का फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। देन ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम, थोड़ा अमाउंट में मैग्नीशियम, समझे। इसमें भी ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है हमारे बोन के अंदर। डन। तो इसमें मिनरल्स का बात करेंगे हम लोग कि मिनरल प्रेजेंट होता है, मिनरल में भी कौन सा मिनरल, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स ये प्रेजेंट होते हैं और कार्टिलेज में ये एब्सेंट होता है। क्लियर। चलिए इसके बाद, हाँ, हैवर्सिन केनाल होता क्या है हम लोग डिस्कस नहीं किए ना। अगर हैवर्सिन केनाल इसके अंदर है तो काहे इसके अंदर क्यों नहीं है, ठीक है। तो अगर हैवर्सिन केनाल इसका कुछ एकाध गो स्पेसिफिक काम होगा, इसमें स्पेसिफिक काम नहीं होगा। तब बोन में क्या होता है ना, तब बोन में ब्लड का रेगुलर सप्लाई होता है, ठीक है। इक्वल कार्टिलेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड नहीं होता, समझे बात। बोन में हेवर्सिन केनाल ही है जो ब्लड को लेकर के आता है और ब्लड अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को लेकर के आएगा, ठीक है। तब बोन का जितना भी सेल है सबको न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए। न्यूट्रिएंट लेकर के आ रहा है कौन, हेवर्सिन केनाल, ठीक है। न्यूट्रिएंट लेकर के आ रहा हेवर्सिन केनाल, हेवर्सिन केनाल में ब्लड का सप्लाई है, तो ब्लड ही तो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी जगह। तो जब हेवर्सिन केनाल के थ्रू ब्लड आता है तो सभी सेल को इक्वली मिलना चाहिए, तो इक्वली मिलना चाहिए। तो भाई अगर बिखरा हुआ रहता जैसे तैसे तो सबको इक्वली मिल सकता था, इक्वली मिलने में दिक्कत होता कि नहीं, है ना। अब बीच में से बांटने वाला खड़ा है कि हाँ आ जाओ बेटा किसको चाहिए, लाइन में लग जाओ ऐसे, ठीक है। तो एकदम लाइन में ऐसा लग है, लो जी तुम, लो जी तुम, लो जी तुम, सबको वहां से अपना दिए जा रहा है बीच से, ठीक है। डन। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट हो इसके लिए इसके लैकनीज सिस्टमेटिक वे में अरेंज होते हैं हेवर्सिन केनाल के चारों ओर, क्योंकि हेवर्सिन केनाल ही न्यूट्रिएंट वगैरह लेकर के आता है इसके पास तक, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट का करेक्ट सप्लाई या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। इसमें सिर्फ किनारे किनारे से थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बाकी ऐसे ही इसको मिल गया तो बगल वाला सबको चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे मिलते जाता है। डन। इसलिए बोन हमारा ज्यादा है, बोन का लंबाई भी ज्यादा है, क्योंकि कहीं भी रहे उसको सप्लाई हो जाएगा। लेकिन कार्टिलेज ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही होता है, सभी जगह नहीं होता है, और जहां भी होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, हल्का हल्का होता है, जैसे नोज टिप पे है, ईयर में है, बोन के इंड पे होता है, ठीक है। ओ सॉरी, ईयर नहीं, इसको पिन्ना बोलते हैं, सही बोला आशीष रंजन। डन यहां तक। चलिए इसके बाद एक और पॉइंट, बोन पोरस होता है, ठीक है। बोन कैसा होता है, तो ये होता है पोरस, इसमें पोर्स पाया जाता है। कार्टिलेज पोरस नहीं होता है, इसमें पोर्स बिल्कुल नहीं पाए जाते, नन पोरस होता है, ठीक है। इसको बाय डिफॉल्ट बोलिए कि कार्टिलेज को हम लोग सॉफ्ट बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बोन अलग चीज है, कार्टिलेज अलग चीज है, लेकिन इस कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन भी बोला जा सकता है, ठीक है। एक सारा प्रॉपर्टी को ही है, खाली मुलायम होता है, ठीक है। लोकेशन कहाँ कहाँ ये मिलेगा, कार्टिलेज का बात कर लेते हैं कहाँ मिलेगा, और बाकी सब जगह तो बोन में रहेगा हमारा, ठीक है। तो जो भी हमारा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल पार्ट है वहां पे ये मिलेगा, जैसे हमारा नोज, ठीक है, ये वाला घुड़ मुड़ जाता है, इलास्टिक है, फिर छोड़ देंगे अपने शेप में आ जाएगा। ये कान का जो बाहर का पार्ट होता है ना, इसको पिन्ना बोलते हैं। ये पिन्ना भी हमारा,
है। कुछ कार्टिलेजनस रिंग हमारे ट्रैकिया के ऊपर पाए जाते हैं, जो क्लास 10 में पढ़ेंगे चल करके कि उसका क्या रोल होता है। ठीक है, जो भी बोन है उस बोन का जो इंड होता है, चाहे वो बड़का बोन हो चाहे छोटका बोन हो, उस बोन का जो इंड होता है वहां पे कार्टिलेज पाया जाता है। एपिग्लॉटिस में होता है, लैरिंग्स, वेरी गुड हर्ष, लैरिंग्स में भी होता है। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स है। और कैसा हमारा आवाज होगा ये डिपेंड करता है हमारे लैरिंग्स के ऊपर, वॉइस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, उसका साइज, उसका शेप, उसकी इलास्टिसिटी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, काफी पतला है तो काफी पतला आवाज निकलता है, और काफी मोटा हो तो थोड़ा वाइब्रेशन वाला आवाज निकलता है, यानी कि लो पिच आवाज, पतला हो तो हाई पिच आवाज, है ना। लड़कियों का आवाज काफी पतला होता है और लड़कों का आवाज थोड़ा सा भारी हो जाता है एक खास उम्र के बाद। ठीक है, क्लियर। कोई कोई लड़का का आवाज पतले रह जाता है कुछ दिनों तक, बाद में फिर भारी होगा। तो चलिए, हो गया ना बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस। चलिए, तो इतना ही हमारा टॉपिक था आज का, स्केलेटल टिश्यू में। ठीक है, बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, क्लियर। कल के टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर।